एक गरीब घर की लड़की है। माँ अपनी माँ और भैया और भाभी के साथ वो रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। की माँ कमला बाहर जा रही थी, तभी उनकी पड़ोसन उसे वहाँ मिल जाती है। ए कमला बहन, ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे आप किस खुशी में ये मिठाइयाँ बांट रही है? जियो, मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है, इस खुशी में। आपकी सीमा भी तो शादी के लायक हो गई है, आप भी उनकी शादी कहीं करवाना नहीं चाहती है? करवाना चाहती हूँ, पर आपको तो पता ही है हमारी घर की हालत अभी कैसी है। ऊपर से लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं, ये सब हम अभी नहीं कर सकते हैं। फिर कमला घर आ जाती है और अपने बेटे से सीमा के शादी के बारे में सारी बात कहती है। मैं भी सीमा की शादी अच्छे घर में और धूमधाम से करना चाहता हूँ, पर आपको तो पता ही है मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। एक बार मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सीमा के घर उनकी कॉलेज की सहेली रीना आती है। अरे रीना, तुम कैसी हो? कितने दिनों के बाद आई हो घर पे? कल राहुल का बर्थडे है, इसलिए मैं तुझे इनवाइट करने के लिए आई हूँ। तुझे तो पता ही है मेरी शादी हो गई है, और शादी के बाद इन सब बातों के लिए कहाँ टाइम रहता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें कैसे पता होगा? तो पता ही है मेरे घर की हालत अभी कैसी है, इन हालातों में मेरी शादी कैसे हो सकती है? तेरे घर को देखकर तो लगता है कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मुझे कल की तैयारी भी करनी है, इसीलिए मैं चलती हूँ, तू पार्टी में जरूर आ जाना। रीना की ऐसी बातें सुन के सीमा को बहुत ही दुख लगता है। माँ अभी खड़ी थी तभी वहाँ उनकी भाभी आती है। सीमा, मुझे पता है तुम्हें रिया की बात का बुरा लगा है, पर तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दिन सीमा रिया के घर पार्टी में जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तभी उन्हें रास्ते में सुमित्रा नाम की एक बुढ़ी औरत मिलती है। बेटी, मेरी गाड़ी थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है, वहाँ तक ये सामान ले जाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है दादी, लाइए आपका पूरा सामान मैं उठा लेती हूँ और आपकी गाड़ी तक पहुँचा देती हूँ। फिर सीमा सारा सामान अपने हाथों में उठा लेती है और गाड़ी में पहुंचाने के लिए उस औरत के साथ चल पड़ती है। सीमा सारा सामान उसकी गाड़ी में रखवा देती है। ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें रास्ते में छोड़ देते हैं, आओ मेरे साथ बैठ जाओ। दादी अब परेशान मत होइए, मेरा घर यही पास ही में है, मैं चली जाऊँगी। यह राजीव, राजीव सुमित्रा का एक लौता पोता है। राजीव के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आज राजीव इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है। अरे राजीव बेटा, आ गया तू, यहाँ आ मेरे पास बैठ, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। दादी बताओ, आप मुझे क्या बताना चाहती हो? बेटा मैं चाहती हूँ कि तू अब शादी कर ले। लेकिन दादी अभी शादी? लेकिन कुछ नहीं, मुझे बस इस घर में अब बहू चाहिए। खे दादी, आप इतना कह ही रही है तो मैं शादी कर लेता हूँ, पर पहले लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अरे बेटा, तुझे कहीं लड़की ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है और हम कल ही जाएंगे उनके घर तेरा रिश्ता पक्का करने के लिए, समझा? सुमित्रा को बहू के रूप में सीमा ही पसंद आ गई थी, वो राजीव से उसके बारे में ही बात कर रही थी। और उनकी दादी दोनों ही सीमा के घर पहुंच जाते हैं। अरे बहन जी, क्या ये सीमा का घर है? हाँ यही सीमा का घर है, मैं ही सीमा की माँ हूँ। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर चलकर बात कीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, पर आपको सीमा से क्या काम था?
बहन जी, मैं आपकी बेटी सीमा के लिए अपने पोते राजीव का रिश्ता लेकर आई हूँ। आप हमें सीमा को बुला दीजिए और हमें उनसे बात करने दीजिए। सीमा की माँ का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है कि उनकी बेटी सीमा के लिए रिश्ता आया था। फिर वो अपनी बेटी सीमा और अपनी बहू को बुलाती है। सीमा और उनकी भाभी भी वहाँ आ जाती है। राजीव को भी सीमा बहुत ही पसंद आती है। वो रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। बहन जी, हमें आपकी बेटी सीमा बहुत ही पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, पर बहन जी आप तो समझ सकती है ना, आप लोग अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं। आपके भी रिश्तेदार होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। अभी हम सीमा की शादी धूमधाम से करने की हालत में भी नहीं है और सीमा को दहेज में भी कुछ दे नहीं सकते हैं, तो हम कैसे रिश्ता करें, आप ही बताइए। हमारी अमीरी या आपकी गरीबी से कोई भी मतलब नहीं है। हम दहेज में भी कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं। बस आप तुम्हारी बेटी सीमा को हमारे बहू के रूप में दे दो। अब ये रिश्ता हम पक्का समझते हैं। अगले महीने ही शादी होगी। अब हम लोग चलते हैं। यही महीने सीमा और राजीव दोनों की शादी हो जाती है और सीमा आ जाती है अपने ससुराल में। अब तो सीमा के भाई को भी राजीव की कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उन लोगों के घर की हालत भी अब ठीक हो गई थी।